पूरा ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, पूरी ब्रांच अपने पटियाला ब्रांच ऊपर करो हाथों को अपने, शाबाश। कैमरामैन ऊपर करो, कैमरा ऊपर कर, सबको दिखा मेरे को, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कैमरामैन लोगों को दिखाओ मेरे को, ऊपर करो, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पटियाला ब्रांच के लिए, इसी समय मेरे प्रभु जी जो भी ब्रांच है इस समय ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा इनको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, शाबाश। ध्यान से सुने सब लोग, जी कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर को मैं खुश कर सकूं, कितने लोग खुश करना चाहते हैं परमेश्वर को, जल्दी से अपनी पुस्तक निकालो, बाइबल निकालो, आगे की पुस्तक 1:8 जल्दी पढ़ें, कोई भी जन पढ़ सकता है, जल्दी निकालो, शाबाश। हाँ निकालो, शाबाश, 1:8 निकालो। एक का आठ स्क्रीन पर दिखाओ, शाबाश, 1:8। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से खुश रहे हमेशा? अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर खुश रहे, वो आपको आज से ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो उसको, क्या लिखा बाइबल के अंदर लिखा, ध्यान से सुनेंगे। 1:8 में पवित्र आत्मा बोलता है, हाँ ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे और ब्लेसिंग दे रहा है। देखो क्या लिखा, पहाड़ पर चढ़ जा, लकड़ी बीन कर लिया। सारे बोलो, पहाड़ पर चढ़ जा, लकड़ी बीन कर लिया और मेरा भवन बना, मैं उसको देखकर खुश हो जाऊंगा। हालेलुया। किसको देखकर खुश होगा परमेश्वर? अपने भवन को देखकर खुश होगा जब वो बनेगा। कह रहे पर आप किसको देखकर खुश होंगे आज? बोलो हालेलुया। जिसका ये फैसला है कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, किसका फैसला है मैं परमेश्वर को खुश करूंगा? लिखा पहाड़ पर चढ़ जा, लकड़ी बीन कर लिया, इस भवन को बना, चर्च को बना, जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। आपको अब विश्वास करना है, आपके सामने परमेश्वर वो खुशी लेकर आएगा जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। मर्सिडीज कार खड़ी, आप अपनी 5-स्टार बिल्डिंग को देखकर खुश हो जाएंगे, आप अपने पासपोर्ट पर उस वीजे को देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तूने इस वचन का आदर किया कभी? क्या तूने परमेश्वर को खुश किया कभी? किया कभी खुश? परमेश्वर को खुश किया कभी? नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने परमेश्वर को कभी खुश नहीं किया, उनके घर में खुशी कैसे आएगी? आज से आपको फैसला लेना है कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है। आपसे सुन रहे कि नहीं? मुझे पता है जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। सारे बोले हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर को खुश करना है। करोगे खुश? हाँ या ना? करोगे? आपको खुश करना है तो याद रखो, आप अगर परमेश्वर, कितने लोग उनके घर के बाहर जब नई गाड़ी आती है तो उसको देखकर खुश होते हैं, साडा क्यों देखो कितनी बड़ी गाड़ी लेके आया। नहीं करते हैं कि नहीं हम ऐसे? कितने लोग खुश होते हैं, ओ यार देखो हमारे घर कार आई है। परमेश्वर भी खुश होता है जब कोई उसके चर्च में तंबू लेकर आता है, टेंट लेकर आता है, कोई उसके चर्च में कूलर लेकर आता है, जरूरत का सामान लेकर आता है, चद्दर लेकर आता है, दरी लेकर आता है, कह रहे हैं लकड़ी लेकर आया है। समझ रहे कि नहीं? पहले लकड़ियों से बनाया जाता था घर, आज अगर आप ईंट लेकर आ रहे हैं, रेता लेकर आ रहे हैं, बजरी लेकर आ रहे हैं, आप पूछा करो कि परमेश्वर को क्या जरूरत है, अभी क्या जरूरत है पास्टर आपके चर्च में, क्या जरूरत है? जब आप पूछते हैं उस दिन से परमेश्वर प्लान करता है कि मैं इनके बच्चों को आशीष दूंगा, इसको इसके बेटे का नाम मैं महान करूंगा, इसको मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इसहाक को कहा, इसहाक तू मिस्र में मत जा, दूसरे जाते हैं जाने दे। इसका मतलब ये है तू उस गंद वाले स्थान पर मत जा, तू उस कीचड़ में मत रह, उस पाप की नगरी में तू मत जा, लेकिन तू वहीं रह जहां मैं तुझे रख रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस चर्च में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप कह रहे कि इस प्लेस के साथ आप जुड़े रहे। परमेश्वर ने इसहाक को कहा मैं तुझे इसी साल में 100 गुना आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में, और उसको कहा मैं आशीष ही नहीं दूंगा, कह रहा तू बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा, आशीष का कारण। हाँ अमृतसर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच,
उनके लिए बात कर रहा हूं जो चर्च में बैठे हैं, आज आशीष का कारण बनोगे, आज आप परमेश्वर के लिए आपके घर आशीषें आएंगी। लेकिन आप जब तक आज से आपको ये फैसला लेना है कि मुझे अपने चर्च से प्यार करना है, मुझे नहीं पता परमेश्वर को अगर किसी ने खुश किया अमृतसर ब्रांच के अंदर, परमेश्वर ने मुझे बोला है कह रहे कि जो लोग जिस चीज में आपकी खुशी होगी वही चीज आपके सामने लाएगा, दिसंबर के एंड में आपके सामने लेकर आएगा। आपको आज यहाँ के पास्टर से पूछ कर जाना है कि मुझे जौन सी भी ब्रांच में अब तक बाउंड्री नहीं बनी, आप वहां पर ईंटे लो, रेता लो, बजरी लो और खुद जाकर वहां पर ईंटे बनाओ। अगर पादरी नहीं बनाता, कंजूसी करता है, आप जाओ और ईंटे लो और बनाना स्टार्ट करो। सुन रहे कि नहीं? ये दीवार जब आप बना दोगे आपके घर में आशीष आना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। अपना गेट लगाओ, अपनी दीवार करो, अपनी बाउंड्री करो। जिन लोगों ने ये फैसला लिया, मैं कह रहा हूँ उन लोगों को घर बनाना नहीं बनेगा, घर बनाना नहीं पड़ेगा। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, उनको बना बनाया घर परमेश्वर देगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। क्योंकि ये मैंने वचन पढ़ाया हागे के 1:8 में लिखा कि परमेश्वर के भवन को बनाओ, जिस बात जिसको देखकर परमेश्वर खुश होता है। आप एक छोटे बच्चे को गोद में देखते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर जब खुश होते हैं जब आप उसके घर में उसके भवन में जरूरत का सामान लेकर आते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, हर संडे आप लोगों के लिए कड़ी चावल बनाया करो, कोई भूखा ना जाए आपके यहाँ से। समझ रहे कि नहीं? जलंधर ब्रांच भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतना भी कर सकते हैं, एक लस्सी की बाल्टी तो ला सकते हैं अपने घर से, एक दही का पैकेट तो ला सकते हैं, आप अगर इतना भी काम करेंगे तो भी परमेश्वर आपसे खुश होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं कहना परमेश्वर बहाने नहीं सुनता कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरा पति मैनू मारता कुटता, वो बाद में देखेगा। परमेश्वर जो मारता है कुटता है उसको बाद में देखेगा। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आपकी आशीषें आपके घर आ रही है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो इस वचन पर हम विश्वास करते हैं और हम आज से आशीषों को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे को सारी ब्रांचें दिखाओ, मेरे को ब्रांचें दिखाओ, मैं मेरी आवाज को सुन रही हूँ। अमृतसर ब्रांच, जलंधर ब्रांच को स्क्रीन पर दिखा, मेरी फोटो दिखा ना दिखा, तीन फोटो दिखा और करो इसको। उठाओ शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और देखो आशीष आ रही है आपको। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय ब्रांचों की फोटो कहा तुझे दिखाने को। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने आज फैसला लिया ऑनलाइन चर्च में कि मेरे पिता जो सारी ब्रांचें आज फैसला दे रही है कि परमेश्वर कि हम तेरे भवन की दीवारें ईंटे रेता बदरी हम लाकर और परमेश्वर इनको बनाएंगे। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आज से मिराकल होना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा पवित्र आत्मा इस वचन में कि मैं इस चीज को देखकर खुश होता हूँ। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ ये जिस चीज को देखकर खुश होते हैं वही चीज इनके घर में आज से आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर परमेश्वर इन्हें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो समझदार है उन्होंने तेल मोल ले लिया आज। बाइबल बोलती है जो मूर्ख है उन्होंने इस बात को खरीदा नहीं है, जो समझदार है उन्होंने आज तेल खरीद लिया अपने दिमाग में विश्वास का। जो समझदार है उनके घर में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, अमृतसर ब्रांच की गवाही लेंगे फटाफट। यूके के वीजा
सीधा के साथ ब्लेस हो गया। अपने हाथों को उठाओ, मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घरों में वीजे की आशीष आ रही है। यस यस, गवाही के साथ सुन सुन, मुझे पता तेरा गला बैठ गया। शाबाश शाबाश, अपने गले पे हाथ लगा, अपने गले पे हाथ लगा, प्रभु इसका गला खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। चलो शाबाश। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, पूरा ब्रांच को दिखाऊं, बस शाबाश, अपने ब्रांच को दिखाऊं पूरा। और शाबाश, यही रख, पीछे रख, पीछे रख कैमरा, और इसमें घुमाओ, सारे लोगों को दिखाओ मुझे। शाबाश, अपने हाथों को लाओ, चारों तरफ दिखा, चारों तरफ आज, किसी को मत छोड़, घुमा दे राइट साइड भी। चलो शाबाश, घुमा घुमा कैमरा, शबा लबा, पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय मिराइकल होने पाए, मिराइकल होने पाए अमृतसर ब्रांच में। और इसी समय जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय इनके घरों में आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए, बड़ी शांति आने पाए, बड़े छुटकारे मिलने पाए, और ये स्वर्ग की आशीषों को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनके बच्चे आशीषित हो, इनका घराना आशीषित हो, बोलो आमीन। सुनो, मैं देख रहा हूँ अमृतसर ब्रांच में अगर किसी को महसूस हो रहा हो, यहाँ पर कोई भी जन यहाँ पर खड़ा है, ऑनलाइन भी मुझे देख रहा है, या जलंधर में भी कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है, किसी ब्रांच में भी खड़ा हो, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला किसी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर शायद जादू टोना हो रहा है, मेरे काम रुक गए हैं, वह लोग हाथ खड़ा करें, किसी को लग रहा है कि शायद मेरा काम रुक गया है, और इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह जादू टोना टूट जाए, आज टूट जाए, टूट जाए, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह जल जाए, आज से इनके हाथ कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके चर्च में, ब्रांच में, कि जिसके नाम ऐसे मैंने देखा अभी, ए से एन आर एस, और टी और वाई से, एफ से और बी से, आप करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से प्यार करता है, बोलो हालेलुया। अपने बीज अपने हाथ में पकड़ो, या फेंट, मैंने फिर क्या बताया कि ये वचन बोल रहा है, कह रहा है कि फेंट ले जाना, परमेश्वर के सामने पहाड़ पर चढ़ना है। कितने लोगों को पता है कि लोग, पूरी दुनिया पैसों से प्यार करती है, लेकिन जब जेब से बीज निकालना पड़ता है तो लोग देख कर निकालते हैं, छोटा आ गया कि बड़ा आ गया बाहर, है ना, ऐसे देखते ना, निकालते हैं तो देखिए यार बड़ा तो नहीं आ गया, तो मैं ही देख रहा हूँ बड़ा आ गया, सारे बोले हालेलुया, बड़ा आ गया कि छोटा आ गया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा, कह रहा है जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ ना जानने पाए, तो तेरा बाइना ना जानने पाए। अगर आप खब्बू हैं तो आपका सज्जा हाथ नहीं जानना पाए, अगर आप सच्चू हैं तो आपका खब्बा ना जानने पाए, समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब ये कि आप लोग सोचते हैं कि शायद पड़ोसी को ना पता लगे, नहीं 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 नहीं, पड़ोसी को तो पता ना लगे, पहले आपको भी ना पता लगे, समझ रहे कि नहीं। जो डिसाइड करना है आपने वो घर से करके आना है, लेकिन वहां से अगर गलती से कोई मोटा आदमी आ गया ना हाथ में, तो उसको ये क्या है, आप समझ रहे कि नहीं। आपको डिसाइड करना है, घर बैठ कर करना है, यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपको विश्वास करना है। इसका मतलब यह है कि आपका दाहिना बाईना हाथ भी ना जानने पाए, आपका दान जो गुप्त है, आज गुप्त दान देने वालों के ऊपर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ ज्यादातर ऑनलाइन वाले लोगों को आशीष मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि वो बेचारे वहां से बैठकर गुप्त दान डालते हैं, पता नहीं लगता कौन डाल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की लिस्ट में मंगवाता हूँ और प्रेयर करता हूँ उनके लिए, वो लोग आज से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और अपने बीज को अपने हाथों में पकड़ो, अपने बीज को पकड़ो और जिस समय उठाऊं और बोलो परमेश्वर ये बीज जो है, मैं प्रार्थना करना सिखा रहा हूँ। कुछ लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप प्रार्थना करते हैं काम रुके हुए हैं, लेकिन ये प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ेगी। आज आपका जो पैसा है आपका डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। फेंट आपके लिए मार्ग खोलेगी, लिखा फेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा होना है कि नहीं, हाँ या ना, अरे फेमस होना है कि नहीं, तो आपको विश्वास करना है
कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो परमेश्वर ये जो बीज मैं आज तेरे भवन में लेकर आया हूं, ये बीज आज पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं बीज ये तेरे भवन में लेकर आ सकूं, लेकिन तेरी सामर्थ ने परमेश्वर मुझे ऐसा बनाया है परमेश्वर कि मैं आज तेरे सच्चे भवन में, आज पवित्र आत्मा आपके चरणों में मैं ये बीज लेकर आया हूं परमेश्वर। और विश्वास करता हूं कि ये 30 गुना नहीं, बोलो मैं विश्वास करता हूं ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेकर आएगा मेरे लिए, 100 गुना। बोलो इसी समय 100 गुना लेकर आएगा। और अपने लिए इसी समय बीज पकड़कर आज उस कर्जे के शराब को तोड़ना स्टार्ट करो। बोलो इसी समय 2 सेकंड सब बोलो इसी समय वो कर्जे के शराब टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। बोलो टूट जाए, मेरे घर से नाकामयाबी के शराब टूट जाए, वो असफलता का शराब टूट जाए, मेरा बिजनेस खुले। बोलो अंगीकार करो आज मेरा बिजनेस खुले, मेरी आशीषें खुले, मेरी आशीषें खुले, मेरा पैसा नुकसान में जाने से बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। बोलो बोलो इसी समय कैमरामैन अपने हाथों को बोलो मुंह से अंगीकार करो, समय बोलो इसी समय परमेश्वर, इसी समय मेरा पैसा मेरा नुकसान में जाने से बंद हो जाए, बंद हो जाए। परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अंगीकार कर रहे हैं कि मेरा पैसा आज से डबल होगा, आशीषें आएगी, ब्लेसिंग आएगी, इसी समय नुकसान वाली गंदी आत्माएं जाए इसी समय इनके पैसे से, जाए जादू टोना, जाए इनके घर से जो नुकसान करा रहा है, जाए बोलो जाओ, बोलो जाओ, get out my house, बोलो get out my office, get out my heart, my liver, get out। करा के आज मैं बांध देता हूँ उस गंदी आत्मा को, बोलो बांध देता हूँ जो मुझसे दुश्मनी करता है, जो बीमारियों को उस कीटाणु को मैं बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो हमारे खिलाफ है मैं बांध देता हूँ शैतान को यीशु मसीह के नाम में, बंद जाए वो। और इसी समय परमेश्वर इनके घरों में आशीषें आएं यीशु मसीह के नाम में, इनके घरों में आशीषें आएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज बीज के लिए अपने हाथों में उठाए हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम आर जी जे और जी और के से, सी से, मैं वाई एन से, डी से देख रहा हूं और बी से देख रहा हूं, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, और फॉरेन की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। ये आज का बीज जो आपने प्रेयर की है आपके लिए आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अपनी भेंट अपनी बीज चढ़ाएं परमेश्वर को, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, विश्वास के साथ ये कोर्स कहेंगे फटाफट जल्दी 2 मिनट के लिए। मेरे सारे दर्द बढ़ा दो, इना सहानू चलो गए, मेरे सारे दर्द बढ़ा दो, जद कदी भी दिल दुख दा तू सुनता मेरी, जद कदी भी दिल दुख दा तू सुनता मेरी, तेरी दया बथेरी, तेरी दया Thank you.
कलीसिया सब जन बैठ जाएं अपनी जगह पर मेरे अजीजों, अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपनी आंखों को बंद करें, बोले खुदाबंद मुझे आज सुनने वाले कान दीजिएगा ताकि तेरे वचन को मैं तेरे वचन से मैं तृप्त हो सकूं, मुझे मानने वाला मन दे ताकि मैं चल सकूं। खुदाबंद ऐसा बोलिए, जो लोग खड़े हैं तो प्लीज बैठ जाएं, खुदा की उपस्थिति में बने रहें, उसका आत्मा इस जगह पर है। तेरे बचनों ती जवां में खलो मैनू अपने लहू दे तैयार कीजिए। जितने लोग बैठे हैं प्लीज, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं अपनी जगह पर, खुदा का आत्मा इस जगह पर है मेरे अजीजों।
राजपुरा ब्रांच का फटाफट फाजिल का ब्रांच जल्दी जल्दी गवाही के साथ परमेश्वर का आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ अब इसी समय जो लोग हाँ गवाही के साथ राजपुरा ब्रांच। यस जैसे आपने प्रोफेसी किया था इसका नोटिस ऑयल लगा लिया और यूज किया और आज ये फील से के शब्द से आजाद हो गई है। हालेलुया बोलो हालेलुया। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश। हाँ, 6 साल के बाद बेटा हूँ। आप देख रहे हैं हर ब्रांच में लोग गवाहियां दे रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ राजपुरा ब्रांच शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो राजपुरा ब्रांच से मुझे देख रहे हैं इसी समय इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें छू और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो सुनो, तेरे राजपुरा ब्रांच में मैं देख रहा हूँ कि दो फैमिलियों में से किसी के बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे कलीसिया में देख रहा हूँ कि यहाँ पर दो जन हैं जिनके नाम आर और एस है, उनके बच्चे विदेश के अंदर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और अभी आपके बाद ये लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, इनको बताऊं कि अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो प्रभु का भवन बनाओ। परमेश्वर आपके घरों में आशीषें दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर अब बंद कर उसे, अपने सिर पर हाथ रखें शाबाश। और जो लोग वचन को सुन रहे हैं उनके घरों में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने भेंट, जो लोग अपने बेज अपने दशमांश के साथ यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, जिन्होंने आज तेरे भवन के लिए पवित्र आत्मा जी बीज बोया, मेरे प्रभु इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे लोग आशीषित हो। और जो लोग इस समय महसूस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर है, मेरे पिता इनके घरों में आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो तेरा आदर कर रहे हैं। और इनके घरों में आज वचन सुनने के बाद इनके घरों में एंजल काम करे यीशु मसीह के नाम में। आज से हर एक आशीष इनकी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुने कि बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ आज इनका ब्रांच आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाऊ,
अपने कैमरे को सही करो, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, फाजिल का ब्रांच के ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए। पथरियां, सोलियां, कोई भी कैंसर, कोई भी ट्यूमर, कोई भी टांगों का दर्द, कमर का दर्द, कोई भी प्रॉब्लम इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय प्रभु इन्हें फेवर कर, इनका इस साल के अंदर जिस फॉरम पर ये हाथ लगाए भरे, जिस जॉब पर ये हाथ लगाए, जिस पासपोर्ट को ये जहाँ पर ट्राई करें जिस देश में जाने के लिए, इनके बच्चे आज से आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी है, फाजिलका के अंदर सबसे धनी कलीसिया होगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने लोगों को बताऊँ कि कैसे बोने के बाद आपके ऊपर परमेश्वर डबल अनॉइंटिंग को छोड़ता है। बोना सिखाओ अपनी अपनी कलीसिया को, पास्टर हैप्पी, बोना सिखाओ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, वचन में कितने लोग वचन का आनंद लेना चाहते हैं आज? बहुत सारे लोग वचन में सो रहे होते हैं। अपने पड़ोसी को चुटी मारो, बोलो कि ओए उठ जा। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को चुटी मार रहे हैं, उनके घर आशीष आ रही है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप लोग उसको वचन के लिए जगा रहे हैं। किसके लिए जगा रहे हैं? हाँ राम बाबू, अभी आपके लिए आप भी रह गए। बिहार ब्रांच, बस हाथों को उठाऊं, बिहार ब्रांच, यस, हाँ हाँ, बिहार ब्रांच, बिहार ब्रांच, हाँ हाँ, बिहार ब्रांच, ध्यान से सुनेंगे सब। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, यशाया की किताब सब निकालें, यशाया का चैप्टर, उसका एक और पहला चैप्टर, उसका फर्स्ट चैप्टर, यशाया की किताब पुराने नियम के अंदर एक, उसका 19 और 20। सब लोग आज आशीष को देखने के लिए फटाफट जल्दी से निकालो। आज बहुत सारे लोगों के को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं अपनी लाइफ में कि बड़ी मेहनत करते हैं हम, लेकिन फल नहीं आता हमारी गोद में। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि बड़ी मेहनत किया और मेरी गोद में फल नहीं आया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे क्या कहा कि आज अगर इनके मेहनत का फल नहीं आया, जाकर इनसे कह दें कि अगर ये आज 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा करें कि अगर आप उन पॉइंटों को याद रखें और अपने जीवन को उनके साथ चलाए, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको उस बाग में से फल देने वाला यीशु मसीह के नाम में, उस वतन की वाटिका में। परमेश्वर ने बाग के अंदर बहुत सारे फल रखे, वहां पर उस अदन की वाटिका में परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता था। वो लोगों ने खाया जिन लोगों ने मेहनत भी नहीं किया। वो पैदा हुए और उनको परमेश्वर ने फल खाने के लिए दे दिया, आदम और हव्वा को। कितने लोग जानते हैं? अगर आप आज वचन को ध्यान से सुने और वचन को आप अमल करें, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज से आप लगे लगाए पेड़ों पर फल तोड़कर खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसी आशीष को देखेंगे कि आप मेहनत तो करेंगे लेकिन आपकी मेहनत का फल जो नहीं आ रहा, क्योंकि आदम ने जब गलती किया तो समय परमेश्वर ने एक श्राप दिया था इंसान को, कह रहा कि अब से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। लेकिन इस बात की आप समझ जाना, मेहनत उस व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती जो कह रहा है कि अपनी प्रेयर लाइफ में मेहनत करता है, जो बाइबल को पढ़ने में मेहनत करता है, जो उसकी आज्ञा मानने के लिए मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं कि उसको लगे लगाए पेड़ मिलेंगे आज के बाद। आपने देखा कई बच्चे, तीन भाई हैं, तीन भाइयों में से दो भाई मेहनत कर रहे हैं लेकिन तीसरा भाई बैठा बिजनेस कुछ नहीं, बाप दादाओं का बिजनेस खा रहा है। खा रहा है कि नहीं? आप तो जो मेहनत मेरे यीशु मसीह ने किया है, करे कि आपको करे उसका फल मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? करे अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, जोर से चिल्लाओ हालेलुया बोल कर। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें, परमेश्वर से बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। करे अगर आपने बेस्ट से बेस्ट आशीष लेनी है तो ये 4-5 काम आपको करने आज। पहला, हम स्क्रीन पर देखते हैं, लिख लें, आप राइट डाउन करें अपनी डायरी के अंदर।
कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रार्थना के अंदर व्यतीत करें। नंबर एक, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको प्रार्थना में व्यतीत करना है। अब आप ज्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? आप अगर खाना बनाने वाले हो, आपके घर में सुबह 5 बंदे खाना खाते हैं, दोपहर को फिर 5 बंदे खाना खाते हैं, क्योंकि बेचारी औरत का तो पता है मेरे को कि वो सवेरे आटा गूंथती है, सवेरे कुकर में सब्जी चढ़ाती है और 12 बजे 1 बजे भांडे मांझ कर फ्री होती है, फिर उसके बाद फिर दोपहर का खाना आ जाता है, फिर भांडे मांझ कर 5 बजे तक फ्री होती है, फिर उसके बाद 8 बजे की तैयारी शुरू हो जाती है, 6 बजे बेचारी को 1 घंटा रेस्ट मिलता है, क्या प्रार्थना करेगी, क्या सोएगी, क्या जागेगी? मैं ऐसी औरतों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो ऐसा सोच रही है उनके लिए भी एक फैसिलिटी आज कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कैसे कर सकती है वो जितने जब आटा गूंथती हुई जितने मुक्के आटे को मारती है उतनी बार बोले यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि मैं आप जितनी रोटियों को पेलते हैं जितनी रोटियों को मारते हैं ऐसे करके मारते हैं कि नहीं उतनी बार बोलो यीशु पवित्र है, पवित्र पवित्र है। आप ये ना कहो ऐसे रोटियां पोल रही होती है बोल रही है पता नहीं मर जाने किथे गया किथे गया किथे गया मैं तत्ती तत्ती रोटी बना रही है ठंडी करती किथे गया किथे गया। कई औरतें सारा दिन यही करती रहती हैं, करती कि नहीं? उस टाइम आपको बोलना है यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। समझ रहे कि नहीं? राज की बात बता रहा हूं, आपके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा, याद रखना। आपकी तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होगी। आपको विश्वास करना है, ज्यादा टाइम प्रेयर में बिताना है आपने। नंबर दो, पाप से नफरत करना है। बोलो हालेलुया। आपने किसी को आई लव यू बोला? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर को बोला आई लव यू, मम्मी को बोला आई लव यू, डैडी को बोला आई लव यू, शैतान को कभी बोला आपने आई लव यू? उसको बोलना भी नहीं है। आपने शैतान को आज बोलना आई हेट यू, इसकी हिंदी मुझे पता नहीं है पर बोलो मैं आपसे नफरत करता हूँ। आप बोलने की जरूरत नहीं है उसको, शैतान के बच्चे को उसके बोला मैं तुझसे नफरत करता हूँ। क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। आप पाप को जब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप उससे नफरत ना करें। आपके अंदर पहले एक नफरत आनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? एक लड़का मैं देख रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। उसकी माँ मेरे पास आई, मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, मैंने कहा थोड़े दिन में ये नफरत करेगा। वो पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का चर्च में आया और आके बोलने लगा पापा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो लड़की मेरे से दूर हो जाए। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब वो मेरे पास आती थी तो वो पता नहीं मेकअप करके आती थी, बाद में चेहरा पता लगा कि वो तो बिल्कुल मेकअप के बाद। मैंने कहा असली राज पता लग गया कि नहीं? तो क्या है, अगर आप लोग इस बात को समझना है, कह रहे जब तक आपके अंदर नफरत नहीं होगी तब तक आप उस चीज से हट नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं? चाहे वो लड़की है, चाहे वो शराब की बोतल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई चीज है जो आपको आशीषों में रुकावट डाल रही है, आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। चाहे घमंड है, चाहे लालच है, चाहे नशा है, चाहे बीड़ी है, चाहे आपके अंदर का क्रोध है, जब तक आपको अपने गुस्से में नफरत नहीं होगी कि ये मेरा गुस्सा मेरी आशीषों में रुकावट डाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको आज हर पाप को नफरत करनी है। तीसरा, कह रहा अपने चरित्र को साफ करना है। मेरी बात समझ रहे? कुत्ता जहां बैठता है ना वहां पे पूंछ मारकर बैठता है, कितने लोगों को पता है? करे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी पूंछ मारो जहां पर बैठो, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जुबान को जितनी बार आप बोलेंगे ये एक पूंछ मारने का काम करती है, आपके अंदर सफाई करती है। ये जितनी बार आप पूंछ मारेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर और ये पाप मेरी जिंदगी में कभी ना आने पाए, आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर जब तक नहीं छुड़ाएगा। याद रखना आपके कहने के अनुसार छुड़ाएगा। जब तक नहीं कहेंगे चंगाई के लिए चंगाई नहीं देगा, जब तक पैसा नहीं मांगेंगे नहीं देगा, क्योंकि लिखा अंधे को कहा कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए, कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं, और उसने आज बोल रहे परमेश्वर भी कह रहा कि दोगे तो दिया जाएगा, इसका मतलब अगर आप चाहते हैं इसलिए उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने नियम के अंदर क्या था, पुराने नियम के अंदर ज्यादा पाप नहीं थे, इसलिए वहां पर यिर्मयाह को कहा गया कह रहा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुरानी आशीषें फिर से लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें कि आज से मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा और अपने करेक्टर में सुधार करूंगा। अगर आज आप अपने चरित्र में सुधार करें तो परमेश्वर आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार। आमीन बोलने वालों,
विश्वास की बातें मुंह से निकालें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, और लास्ट पॉइंट यहोवा के सामने, सब बोले परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है आपको, मतलब उसके दिखाए हुए रास्ते पर। जितने लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को बेस्ट से बेस्ट आशीष देगा इस साल के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट फ्रूट बाइबल के अंदर कितने लोग जानते हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट है वो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको बेस्ट फ्रूट एक चीकू लगता है, किसी को सेब लगता है, किसी को अंगूर लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल। जब आप पढ़ते हैं गलातियों के 5 के 17 18 19 के अंदर 20 के अंदर, वहां पर क्लियर लिखा, 21 22 में क्लियर लिखा वहां पर कि मेरे को आत्मा के 9 प्रकार के बेस्ट फ्रूट मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जिसके कारण करा कि आप स्वर्ग की आशीष भी लेते हैं, धरती की आशीष भी लेते हैं। अगर ये 9 प्रकार की चीजें आपके अंदर नहीं होगी आत्मा में, मैं कल किसी से बात कर रहा था कार के अंदर बैठकर, किसी ने कहा कह रहा जी कोई आपको धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक आनंद का फल, एक शांति का फल, मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक एक आनंद का फल और शांति का फल नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कह रहा कि आप करके आपके ऊपर कोई भी बेस्ट से बेस्ट आशीष नहीं आ सकती। आप समझ रहे हैं, विश्वास करना है। मैं आज एक गवाही बताऊंगा आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं। यहाँ बाइबल बोल रही है बेस्ट आशीष चाहिए, तो कह रहा है बेस्ट बनना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बताया इस पॉइंट में, कह रहा है कि बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं, अपने पड़ोसी को पूछो, बेस्ट कपड़ा चाहिए, बेस्ट जूती चाहिए, बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट बीवी भी चाहिए आपको, बेस्ट बच्चा भी चाहिए आपको, आपको बेस्ट चीजें चाहिए, आपको सब चीजें बेस्ट चाहिए, बेस्ट हस्बैंड चाहिए। कौन सा होता है बेस्ट हस्बैंड, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है, औरतें ऐसा सोचती हैं, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर को बेस्ट मसीह विश्वासी चाहिए। कौन है वो बिलीवर्स, कह रहे हैं जो पाप से नफरत करते हैं, हालेलुया, उनके लिए बेस्ट एंजल आ रहे हैं आज स्वर्ग से, रिलीज कर रहा हूं मैं, बेस्ट एंजल रिलीज करवाता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको वो बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं, फिर बता रहा हूँ बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं आपको बताता हूँ। आज के बाद वचन के बाद अब आपको फैसला करना है कि बेस्ट एंजल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जिस दिन से इस बातों को पढ़ा, खोलकर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया, उसने कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, हालेलुया, और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं अपनी प्रेयर लाइफ में रहा, क्योंकि हमारा झगड़ा इंसान से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम बांटने वाला है। मैं सिर्फ उसके लिए 3 दिन यही प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर के इन लोगों के अंदर तू प्रेम डाल दे। और क्या हुआ, जिसने झगड़े करने की कोशिश की थी, थोड़े दिन के बाद वो एक ग्रुप में लड़ाई हुआ और वो आपस में ही मर कट के मर गए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार ऐसे ही एक लड़का अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसको पता लगता है कि उसके पीछे कुछ घूम रहा है, कोई आवारा लोग घूम रहे हैं, कोई लोग उसको मारना चाहते हैं, प्रॉब्लम डालना चाहते हैं। एक पादरी के पास गया और उसने उसको एक वचन दिया। उस वचन में लिखा था, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे, जितने लोग तुझ पर मुत्तई होकर नालिश करेंगे तो उन सबके बीच में से निकल जाएगा, जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो वचन वो बोलता रहा, और मैंने बताया भी, मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूँ। और उसी समय वो लड़के को जब ऐसा महसूस हुआ, वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था स्कूल में, तो उसी समय उसने वहां पर चक्कर लगाने स्टार्ट, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, उसने एक पार्क के चक्कर लगाया, एक कार का जब चक्कर लगाया तो उसके दुश्मनों का पेट्रोल खत्म हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है स्वर्ग से। अगर आप छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं, अगर आप किसी कर्जे या आर्थिक तंगी से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते तो आप मर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य जिंदा है, वो स्वर्ग से आपको दिखाएगा अपनी ताकत को यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन आपको जब तक वो नहीं सुनता, आप बेस्ट चीज चाहते हैं परमेश्वर से, बेस्ट चीज लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। बेस्ट कैसे, यीशु मसीह ने क्या सिखाया, बोलता है करा तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे, ये बेस्ट बना नहीं जाता। जब कोई मुंह पर थूक देता है
तो उसी समय अगर मसीह विश्वासी के गाल पर कोई थूक दे, कोई औरत अगर बस में जा रही है और उसके औरत उसके मुंह पे थूक दे तो क्या होगा? बता देगी मैं कितने दिया, समझ रहे कि नहीं? तो आपको बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। अगर आज आपके खिलाफ कोई है, हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर उसको भी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको उससे ज्यादा बेस्ट बनाने वाला इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, कह रहा है कि आप अपने आप को साफ करो, कह रहा है कि आपको साफ करना है। जो लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे देगा या नहीं देगा, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, देखो क्या लिखा, खुदा के पीछे चलने से, इंसान के पीछे से नहीं। मैं कह रहा हूं, कह रहा है यहाँ पर, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो, कह रहा है कि आज्ञाकारी हो कर मेरी मानो, आगे 20 में लिखा, कह रहा है कि तो इस देश के उत्तम उत्तम सबसे बेस्ट पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कह रहे हैं कि इंडिया के क्या, कह रहे पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पदार्थ, सबसे बेस्ट चीजें आप खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको परमेश्वर ऐसा इंतजाम कराएगा, कह रहा अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं अपने अंदर, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज रात आपके घरों में ऐसी आशीषें आने शुरू होंगी। कह रहा कि देश के सबसे, जो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट प्लेस है, जो सबसे बेस्ट नौकरी है, वो सबसे पहले परमेश्वर आपके बच्चों को प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करने के नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे कि तू मेरा मित्र नहीं है, मेरा मित्र कौन है? कह रहा है मेरा मित्र यीशु मसीह है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका मित्र नहीं बोल रहा, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल रहा है, आपका ये फ्रेंड नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका पास्टर नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे बेस्ट चीज दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं, एक मां कह रही है बच्चे को कि तू अगर ये बाइबल पढ़ेगा या स्कूल जाएगा, ये काम करेगा, तो मैं तुझे ये बेस्ट चीज दिलाऊंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर जो कह रहा परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वादा है, कह रहा उनका बाप नहीं, कह रहा कि परमेश्वर उनका मित्र है, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है आपसे, कि सब बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, देश की जो चीज आपको बेस्ट लगती है परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा आज यीशु मसीह के नाम में, आपको कराएगा। लेकिन आपको बेस्ट बनना है। देखा आपने यहाँ पर कोई जन, ये मेरे ऊपर एक गिफ्ट है, मतलब मुझे एक विश्वास है इस बात पर कि जब मेरे सामने कोई 18 साल वाली लेडीज आ जाती है और वो बोलती है मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं उसको पता क्या क्या कर भेजता हूँ? मैंने कहा जा, हो गया। मैं कोई भगवान थोड़ी, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी, लेकिन मेरे अंदर विश्वास की बातें, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? विश्वास की बातें, कह रहे बेस्ट चीज, बेस्ट स्वभाव, बेस्ट करेक्टर, बेस्ट विश्वास आपका रिजल्ट लेकर आएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए करने के लिए तैयार है जो अपनी लाइफ के अंदर कह रहे पाप से नफरत नहीं करते, उनका पाप कभी नहीं छूटता। वो लोग बोलते हैं मेरे को पाप छुड़ा दे परमेश्वर, वो कभी भी नहीं छूटता। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करो, आप ये प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर इस पाप से मुझे नफरत होने पाए, ये गुस्से का स्वभाव मेरे अंदर से जाने पाए। मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा कभी भी। अगर आप ये कहोगे, कहूं परमेश्वर जब मुझे गुस्सा आता है मैं इस पाप से नफरत करने लगूं, मैं कह रहा हूं कि उस दिन से आपके अंदर जब नफरत भरेगी, उस दिन परमेश्वर एक बेस्ट आशीष प्रोवाइड कराएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग तैयार हैं आज हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर मुझे पाप से नफरत करना सिखा दे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पाप से नफरत करना सिखा दे, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं खुदा के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, तेरे नहीं। किसके दिखाए रास्ते पर चलोगे आज से? ये पॉइंट पर आपको जोर देना है, बस लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि खुदा के दिखाए रास्ते पर चलोगे। अपने पड़ोसी को पूछो किसके दिखाए रास्ते पर चलेगा? नहीं नहीं, मैं था अपने पत्नी दे दिखाए रास्ते पे चल लूंगा, नहीं नहीं मैं था मेरा दोस्त लड्डू बेटा, मुझे हंसी आ रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं नहीं मैं था बच्चियां दे दिखाए रास्ते पे चल लूंगा, नहीं नहीं मैं था फलाने दे रास्ते पे चल लूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चले, तो परमेश्वर ने कहा तुम देश के उत्तम उत्तम पदार्थों के सबसे बेस्ट चीजों को, सबसे बेस्ट चीजों को लेने पाओगे। आमीन बोलने वाले बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पौलुस को जानते हैं आप, शाऊल था पहले इसका नाम, शाऊल। और शाऊल क्या करता था? शाऊल के अंदर एक बात थी, कह रहा है कि ये मसीह लोगों को सताता था, मारता, पीटता, सताता, झूठे किस्सों में फंसा देता और उन लोगों की तरह था। लेकिन इसके बाद पौलुस कह रहा है कि इसके अंदर एक बात थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं,
इसके अंदर ये था कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। कहीं लड़ाई भी करता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन परमेश्वर को भी ढूंढ रहा था। और एक दिन इसकी चाहत के कारण परमेश्वर अपने लोगों के कारण वहां पर आकर इसके सामने एक लाइट आती है। और जब वो लाइट आती है मतलब परमेश्वर एक ज्योति है। और जब वो लाइट इसकी आंखों में पड़ी उसी समय ये ब्लाइंड हो गया। मैं आज उन लोगों से भी बोल रहा हूँ, मसीह लोगों से भी, कितने लोग परमेश्वर की लाइट को देखना चाहते हैं। अगर लाइट आपके सामने आएगी आपकी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी। पता है आपको, शाऊल के सामने लाइट आई और वो अंधा हो गया। आज आपके नाम पर सिर्फ मसीह है, मसीहत है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर कैरेक्टर में सुधार नहीं किया और आपने दर्शन कर लिया खुली आंख से, उसी समय ब्लाइंड हो जाओगे। समझ रहे कि नहीं? अगर आप पवित्रताई में हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर दर्शन देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। ये फैसला आपको लेना है। चाहत थी उसके अंदर। मैं कहूंगा कि मैं आप में से कहूंगा, अगर आप चर्च में आते हो और आप आधे करके आधे कभी कभी आप पाप कर लेते हो और कभी कभी आप माफी मांग लेते हो, इसका मतलब आप शाऊल हो। समझ रहे कि नहीं? आप कौन हो? शाऊल हो। लेकिन यहाँ पर शाऊल को बदलने के लिए परमेश्वर आ गया और उसने करा, उसी समय उसको लाइट दिखाई और वंदा हो गया और उसी समय उसका जीवन परिवर्तन हो गया और उसी समय वो बदल गया। उस दिन से बिल्कुल टोटल चेंज हो गया, बदल गया और रोने लगा परमेश्वर के सामने और कहने लगा कि मैं ये पांच पॉइंट जो मैं देख रहा हूं, मैं उस हिस्ट्री को पढ़ रहा था और उस हिस्ट्री में देख रहा था कि वो क्या करता, ज्यादा टाइम प्रेयर में चला गया। कितना टाइम? क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया। और क्या कर रहा है? सारा दिन प्रार्थना कर रहा है, सारा दिन रो रहा है, सारा दिन। अरे तीन दिन रोना पड़ा बस उसको, तीन दिन, इससे ज्यादा नहीं रोना पड़ा। रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, और पाप से नफरत करने लगा, बोलने लगा करा मुझे अपने ऊपर गिल्टी महसूस होती है, करा मैं कौन था शाऊल, मैंने क्या किया लोगों के साथ, करा मैंने मारा पीटा लोगों को, बुराई की, करा वो अपने आप को कोसने लगा, अपने आप से नफरत करने लगा। आज व्यक्ति को अपने आप से नफरत हो जाती है, करा कि जब वो देखता है कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहा, नफरत हो जाती है। बहुत बार बच्चों को जब समझ में आती है, जब कई बार कोई एक व्यक्ति किसी के साथ हत्या का पाप कर देता है, कई बार नशा कर लेता है, उसको बाद में समझ में आती है, जब वो उसको पुलिस पकड़ लेती है और अंदर चला जाता है, बाद में सोचता है, कह रहा यार मैंने क्या गलत काम कर दिया, होता है कि नहीं ऐसे? अरे हाँ या ना? कह रहा है कि तब कह रहा है कि नफरत उसको होती है अपने आप से कि मैंने कितना गंदा काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है अपने आप को कोस रहा था और अपने चरित्र को साफ करता जा रहा था और उस दिन से कह रहा था, लेकिन लास्ट में उसको कब आशीष मिली? जब उसने ये बात कही, वो कहा परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ आज से। और जी समय जरा वहां पर एक अन्य नाम का चेला आ गया और उसके सिर पर हाथ रखा और उस दिन से वो देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बेशक आज आपकी आंखें, लेकिन आपके सामने मैं कह रहा हूँ आपका नया फ्रिज नहीं आ रहा, ब्लाइंड हो, आपकी नई नई आशीषें छिपी हुई है। कह रहा कि आपको कोई भी बरकत नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरी आंख तो है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं अगर किसी लड़के को खड़ा करूं, मैं कहूं मैं देख पा रहा हूं तेरी आशीषों को, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी आशीषों को, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। जब तुम कहोगे परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और मैं आज से ये अपराध नहीं करूंगा, मैं अपने अंत करैक्टर में सुधार करूंगा, पाप से नफरत करूंगा, परमेश्वर आज रात वही चीजें आपको दिखाएगा। यहाँ पड़ी है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पौलुस की आंखें खुली और जिसमें पौलुस का नाम का मतलब क्या होता है? पौलुस का नाम का मतलब होता है स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉल। एक स्मॉल होता है, कह रहा एक सबसे स्मॉल, एक छोटा होता है, एक सबसे छोटा, उसके नाम का मतलब ये था। शाऊल का मतलब मैं तो घमंडी कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा, उसका मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पौलुस के नाम का मतलब क्या था कि उसने अपने आप को सबसे छोटा कर लिया। और याद रखना, अपने कैरेक्टर के अंदर जब आपने आप को आपने छोटा कर लिया, परमेश्वर उन लोगों को बड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी बेस्ट आशीष आज रात उन लोगों को मिलेगी, कह रहा है जिसने ये फैसला लिया है। शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला लिया कि मैं अब से उन चीजों से नफरत करूंगा जो मैं करता आया, कह रहा है कि मैं पुराने बैकग्राउंड से अपने नफरत करता हूं,
कि मैं अपने करैक्टर से नफरत करता हूँ और पवित्र आत्मा मैं अब तेरे पीछे चलूंगा। मेरे परमेश्वर ने कहा शाऊल अब तू शाऊल नहीं रहेगा, आज से तू पौलुस होगा, आज से मैं तेरे ऊपर तेरा ब्लेसिंग को छोड़ूंगा और तू बेस्ट से बेस्ट काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट चेला कहलाया परमेश्वर का वो, सबसे बेस्ट। और क्या कर रहा था? जो मसीह लोगों को मारता था, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वो मसीह लोगों से प्यार करने लगा, प्यार करने लगा, वो खुद पास्टर बन गया। हालेलुया। आज आपके सामने मेरा भी करैक्टर यही था कि मैं मसीह लोगों को सताता था। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं इन चीजों में से निकला।